धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। समझ समझ के, समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। जी हाँ, समझ समझ के, समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। और समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। लगता है कल इसी जुमले के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को गोल गोल घुमा रहे थे। या तो वो खुद नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए लोगों को नहीं समझा पा रहे थे, और लोग इसलिए बातों को नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे थे। कभी तो राहुल गांधी को जो है चालाक और होशियार बताने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो राहुल गांधी को एक मंदबुद्धि बालक बताने दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी बातों में विरोधाभास इतना था कि लोग कह रहे थे कि भैया कहना क्या चाहते हो। तो हम आपके सामने वो वीडियो कुछ क्लिप्स के जरिए रखने की कोशिश करेंगे, जिनको अगर आप समझ जाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या समझाना चाह रहे हैं, तो भाई साहब हमें भी जरूर समझाइयो। रोते हुए बालक की बात की जा रही है राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए। आदरणीय सभापति जी, आजकल सिंपथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई, उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बुद्धि का विलाप चल रहा था, मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपति हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। बताने के मामले में सजा पा चुके हैं, इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है।
इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। सुन लिया आपने, यानी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं, स्कूल में दूसरे के साथ मारपीट करके आए, टीचर को गाली दे के आए और खुद घर पर आकर मम्मी से यानी कि सोनिया गांधी का अपमान करने की कोशिश की जा रही। पर हम छोड़ देते हैं सोनिया गांधी को, कुल मिला के राहुल गांधी पे रहते हैं। यानी कि राहुल गांधी एक चालाक होशियार बालक है जो स्कूल में खुश शरारत करके आया लेकिन आकर घर पर हल्ला मचा रहा है, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहाँ मारा। उसके बाद राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि 4 नंबर अगर पाली तो बड़ा खुश हो रहा है और अपने आप को पास समझ रहा है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। मुझे किस्सा याद आता है 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो ताबाजी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस
सुन लिया आपने, यहां पे भी चालाकी बताई जा रही है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं। चलिए मान लेते हैं कि भाई वो बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं। 543 में से 99 लोकसभा सीटें हासिल करने के बाद भी वो ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने एक तरफा तमाम सीटें जीत ली और वो सत्ता में बैठे हों और नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठे हों, ये तो उनके कॉन्फिडेंस की बात करनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि साहब ये ऐसा बालक है जो साइकिल से गिर गया है, और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो, ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। सुन लिया आपने, साइकिल की कहानी सुनाई जा रही है और उस बालक को कहा जा रहा है ना बाबू ना रो ना, चींटी मर गई है, चिड़िया उड़ गई है। अब इससे यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है, नरेंद्र मोदी जो है इस बालक को जो है अब कम दिमाग का बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो इसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो तमाम लोग सच बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है 2024 में अपने दम पे सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बैंड बज गई है, कुछ नहीं काम आया, उनके तमाम शाम दाम दंड भेद उनके रखे रह गए और राहुल गांधी की जीत हुई है, तो उसका वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे चल के वो शोले फिल्म की कहानी सुनाने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी, तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है,
अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। ओ भाई साहब क्या बात है मौसी, अरे मौसी, ओ मौसी। तो ऐसे करके तमाम कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई। यहां भी उन्होंने दिखाने बताने की कोशिश की कि साहब देखो कमियां तो हैं, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं। यानी राहुल गांधी के बारे में यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि बड़े चालाक बड़े होशियार हैं, हार तो गए हैं लेकिन फिर भी कह नहीं रहे हैं भाई साहब कि हम हार गए। आगे वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं राफेल के मुद्दे पर। जब ये कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए, और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई। फाइटर जेट एयरफोर्स तक न पहुंच पाए इसके लिए साजिशें की गई। और आदरणीय सभापति जी, ये बालक बुद्धि देखिए कि राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके उड़ाने में मजा लेते थे, देश की सेना का मजाक उड़ाते थे। अब यहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हूँ कि राहुल गांधी को ये समझ ही नहीं आ रही है कि राफेल में क्या फ़र्क होता है, किसी खिलौने में क्या फ़र्क होता है। ये उनका कहने का मतलब, यानी कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की समझ कमज़ोर है। अब तक के वीडियो जो आपने देखे उसमें तो कह रहे हैं मक्कार हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि बालक मंद बुद्धि है, उसे पता कुछ नहीं है। आगे चलकर वो स्पीकर से कहते हैं कि इस बालक बुद्धि को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बालक बुद्धि मत समझो, ये बहुत चालाक है, ये होशियार है, इसके खिलाफ एक्शन लो। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़, ये हमारे संविधान निर्माताओं का पाठ है, इस देश के महापुरुषों का पाठ है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का पाठ है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सरदई है, आप उदार मन के मालिक है, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मुठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर के, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं हैं, इरादे गंभीर खतरे के हैं, और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है, उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है। आदरणीय सभापति जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है। अब यहाँ फिर कंफ्यूज कर देते हैं नरेंद्र मोदी, और इन तमाम उनके बयानात को सुनने के बाद
भाई साहब जनता कंफ्यूज हो रही है और सिर में खुजारी, क्या बताना चाह रहे हैं मोदी जी, अरे कहना क्या चाहते हो। वो आपने सुना होगा ना फिल्म का एक डायलॉग है, बहुत सारे लोग मीम बनाते हैं उसमें लगा देते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, अरे जल्दी बोल मुझे सुबह पलवेल के लिए निकलना है, ऐसा कुछ करके लगा देते हैं। तो पता ही नहीं कहना क्या चाह रहे थे, कभी चालाक बता रहे हैं, कभी होशियार बता रहे हैं, और कभी जाकर एक अबोध बालक बताने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पीकर से कह रहे हैं कि अबोध मत समझो भाई, इनके खिलाफ एक्शन लो। तो आप समझ गए हो कुछ तो समझाने की कोशिश करियो भाई, हमें भी। फिलहाल के लिए भी इतना ही, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।